वासियों के लिए क्या आपका संदेश है? वार्डवासियों के लिए सिर्फ एक ही संदेश है मेरा कि आप सभी अपना कीमती वोट जरूर दें। कोई भी घर में ना बैठें, आपके वोटों से बहुत कुछ हो सकता है। हमारे वार्ड का जितनी समस्याएं हैं वो सब समस्याएं दूर हो सकती है। किसी अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, पैसे के दम पर जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको जूता मार करके भगाएं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात कही आपने। एक और प्रश्न पूछने की इच्छा हो रही है आपसे बात करके। पूछिए। हालांकि पूछता नहीं हूँ मैं प्रश्न, आपका बजट क्या है चुनाव का? बजट तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो यहाँ जितने भैया हैं, जो मेरे दादा हैं, चाचा है, मामा हैं, उन्होंने मिल करके खड़े किए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे वागले जी पेंटर वाले हैं, राजकुमार भैया जी। जी इनको देखिए, ये कोई पैसे से काम नहीं कर रहे, ये एक अपाहिज है। इनको अभी तक एक साइकिल जो होता है वो भी नहीं दिया गया है। क्यों भैया? तो जो भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं सबके प्यार से लड़ रहा हूँ। यहाँ कोई खाना पीना या रैली का वो पैसा देना ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है अभी तक। हाँ, सबके सहयोग से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बोलो बोलो भैया। ये तो हमारा छोटा भाई है और हम लोग सब मिलकर इसको प्रत्याशी बनाए हैं हम लोगों ने, और जहाँ तक हो सकता है धन से, तन से, मन से हम लोग सहयोग कर रहे हैं। लोग यहाँ पर प्रत्याशियों का या जो पूर्व पार्षद बन चुके हैं उनका यही कहना है कि हम तो वहाँ पैसा दे के वोट खरीदे हैं, तो हम वहाँ पर क्यों काम करें? आप वहाँ की हालत देखिए ना, तो अभी तक सड़कें बनी, ना नालियाँ बनी हैं, ना बिजली की व्यवस्था पर्याप्त है, पानी तक ठीक से नहीं आता है। प्रतिष्ठापुर चुनाव में आपको धन बल पर विश्वास है या जनबल पर? जनबल पर। धन बल भी रहेगा 30%, क्योंकि ये मंत्री जी का वार्ड है। यहाँ अभी तक जो देखा जा रहा है, यहाँ ये बोला जाता है कि हम लास्ट में चुनाव को धन बल से जीता जाएंगे जी। लेकिन हम धन बल पर भरोसा नहीं करके जन बल पर करते हैं। आपको लगता है क्या कि हमारा लोकतंत्र कैद हो गया है धन बल के? बहुत ज्यादा, पूरा का पूरा कैद हो गया है, थोड़ा नहीं जी। तो जब आप बोल रहे हैं पूरा, तो कैसे निकाल के बाहर आएंगे? काम करके दिखा रहे हैं हम, काम करके दिखा रहे हैं। अब जनता जो है वो बेवकूफ नहीं रही ना, उनको अब एहसास हो गया है कि हम कुछ अभी ले लेंगे लेकिन 5 साल फिर हम वही रहेंगे। जनता में इतना विवेक लग रहा है आपको? हाँ हाँ, 100% है। सबसे पहले तो हम आपका परिचय चाहते हैं, क्या हमारे दर्शकों को क्या परिचय देंगे आप अपना? गिरजा आसिफ, इस वार्ड में मिर्जा आसिफ तो ठीक है, मीसु के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। जनता जो कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार के रूप से उतारा गया पार्षद प्रत्याशी। राजनीति में, पार्षद चुनाव से पहले राजनीति में आपका क्या योगदान रहा? 12 साल तक हम लोग केन कॉलेज में रहे हैं और वहाँ छात्र संघ चुनाव जब 2014 से शुरुआत हुआ है, तो वहाँ हम लोग जो चुनाव लड़े हैं, उस चुनाव जब तक हुआ है उस चुनाव को हम जीतते आए हैं। कोरबा जिले में 17 कॉलेज है, उस 17 कॉलेज में 15 कॉलेज में हम जिता करके छात्र को छात्र प्रतिनिधि बना करके लाए। अब आप जब चुनाव में हैं तो उसकी पृष्ठभूमि क्या है, कैसे चुनाव लड़ने का आपका मनसा बनी? यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को लेकर के देखते हुए, ये जो वार्ड है, वार्ड नंबर 4 है, ये वार्ड नंबर 4 जो है, ये हमारे कोरबा की जो राजनीति की शुरुआत बोला जाता है वार्ड नंबर 4 से ही होता है। इन्होंने सब कुछ दिया, यहाँ मंत्री दिए हैं, यहाँ महापौर दिए हैं, सब कुछ यहीं के हैं, चाहे गृह मंत्री भी हैं, भले वार्ड नंबर 5 में आते हैं लेकिन वो इसी क्षेत्र में ही, क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। लेकिन इस वार्ड का उद्धारकरण कुछ भी नहीं हुआ है। इस वार्ड में हर एक चीज़ की मूलभूत सुविधाएँ अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, नाली, सड़क, पानी, ये तो मूलभूत सुविधाएँ हैं जो अभी तक नहीं मिला गया है जी। स्वास्थ्य को और शिक्षा को लेकर के तो बहुत पीछे है। अब आप जब चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको क्या चुनौती महसूस हो रही है? चुनौतियाँ तो बहुत कुछ है। हाँ। मंत्री जी का वार्ड है। हाँ। चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ जी। इसमें तो, जो मैं समस्या को देखता हूँ, तो यहाँ की जो जनता है बहुत आक्रोश भरा हुआ है जनता। मेरे लिए वो चुनौतीपूर्ण है कि अगर मैं बन जाता हूँ तो मुझे उसे किसी भी हाल में पूर्ण रूप से पूरा कराना है। क्या करेंगे आप उसके लिए? मैं जमीनी लड़ाई लड़ूंगा। जो मैं शुरुआत किया हूँ, मैं जब दौरा मारना चालू किया, आचार संहिता लागू नहीं हुआ था,
पिछले हिस्सा में लोग बोलते हैं कि ये रेलवे की ज़मीन है, लेकिन वोट मांगने उसी एरिया में सबसे ज़्यादा जाते हैं, खाना खिलाना पिलाना सब उसी एरिया में होता है, लेकिन उनको सुविधाएं बस नहीं दिया जाता है। रोड देख लीजिए, नाली देख लीजिए, पानी देख लीजिए, वहाँ तो अभी तक नाली का निर्माण तक के नहीं हुआ है जी। जो भी आप नहाना वहाना जो भी कर रहे हो, पूरा पानी बाहर आ रहा है, जो मंदिर है वहाँ जा रहा है पानी। तो हम लोगों ने शिकायत किया, आयुक्त के साथ में मिल करके बात की, वो काम 2 दिन में चालू हो गया जो 3 साल से बंद पड़ा हुआ था। काम हम करा सकते हैं, हमें भरोसा है अपने आप में। अभी आप जा रहे हैं लगातार, तो जनता आपसे क्या बात कर रही है, क्या संवाद कर रही है? जनता इस बार पैसे में बिकने वाली नहीं है, और जो प्रत्याशी है हम उनसे तो टक्कर नहीं लग सकते उस चीज़ों में, लेकिन हम काम पूर्ण रूप से पूरा करके दिखाएंगे। तो इस वजह से जनता हमें बहुत प्यार कर रही है, और हमारे कामों को देख करके, और जो मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ, जो कॉलेज का चुनाव लड़ाया हूँ, तो छात्र जानते हैं, ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो उस परिवार से जुड़े हुए हैं, वो हमारे कामों को जानते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग साथ दे रहे हैं।